हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टोरी एंड सक्सेस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह नरेन के नाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, उनका परिवार धनी कुलीन और उदारता व विद्वत्ता के लिए विख्यात था। विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, भुवनेश्वरी देवी सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थीं। आपके पिता का पश्चात अभ्यस्ता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात अभ्यस्ता के डरे पर चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से तीव्र थी और परमात्मा में वह अध्यात्म में ध्यान था। इस हेतु आप पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहाँ आपके चित्त संतुष्ट न हुए। इस बीच आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर ली और कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इसी समय में आप अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संयोग की निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी आपकी शंकाओं का समाधान न मिला। एक दिन आपके एक संबंधी आपको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को देखते ही पूछा, क्या तुम धर्म विषयक कुछ भजन गा सकते हो? नरेंद्र दत्त ने कहा, हाँ, गा सकता हूँ। फिर दोस्तों, नरेंद्र ने दो तीन भजन अपने मधुर स्वरों में गाए। उनके भजन से स्वामी परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी वे नरेंद्र स्वामी परमहंस का सत्संग करने लगे और उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, अब वे वेदांत मत के दृढ़ अनुयायी बन गए थे। 16 अगस्त 1886 को स्वामी परमहंस परलोक सिधार गए। 1887 से 1892 के बीच स्वामी विवेकानंद अज्ञातवास में एकांतवास में साधनरात रहे के बाद भारत भ्रमण कर पर रहे। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद वेदांत के ख्यात और प्रभावशाली आत्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा।
आपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी अपना काम कर रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अयोग्य व प्रतिभावान शिष्य थे। इन्होंने अमेरिका में दिए गए अपने भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के लिए जाना जाता है। इनका निधन 4 जुलाई 1902 को आप हो गया। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, उत्तिष्ठ जागृत पर्याप्त वरान्वित बोधक, अर्थात उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ और मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मा की सर्वोत्तमता का ज्ञान देती है। दोस्तों, सफलता के 3 आवश्यक अंग हैं, शुद्धता, धैर्यता और दृढ़ता। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो आवश्यक है वह है प्रेम। दोस्तों, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन जाएं। खुद को समझाएं, दूसरों को समझाएं, सोई हुई आत्मा को आवाज़ दें और देखें कि यह कैसे जागृत होती है। सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर ताकत, उन्नति, अच्छाई और सब कुछ आ सकता है। दोस्तों, मेरे आदर्श को सिर्फ इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मानव जाति देवता की सीख का इस्तेमाल अपने जीवन में हर कदम पर करें। दोस्तों, शक्ति की वजह से ही हम जीवन में ज़्यादा पाने की चेष्टा रखते हैं। इसी वजह से हम पाप कर बैठते हैं और दुख को आमंत्रित करते हैं। पाप और दुख का कारण कमजोरी होता है। कमजोर से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुख मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। खुद पर भरोसा करें, अड़िग रहें और मजबूत बने। हमें इसकी ही ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।